Fun HD. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो पाकिस्तान नेटवर्क के साथ मैं हूँ आपका होस्ट शकूर दरवेशी। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं अबुल हसन असफहानी रोड के पर कायम कुंदुस रेस्टोरेंट पर। कहा जाता है कि यहाँ का अफगानी पुलाव बहुत मशहूर है। आइए जानते हैं इसकी क्या ख़ास वजह है कि यहाँ का पुलाव मशहूर है और लोगों का क्राउड रहता है अफगानी पुलाव के लिए। आइए जानते हैं अंदर की जानकारी। असल में यहाँ का पुलाव बहुत मज़ा है और बोटी भी जो है बहुत अच्छी है। सफाई सुथरे का भी बहुत ख्याल है। मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत बार आया हूँ, काफ़ी मज़ा है। आप भी आइए, विज़िट कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। एक तो यहाँ का रेस्टोरेंट का अफगानी पुलाव बहुत मशहूर है और दूसरी सीख बोटी भी बहुत है। यहाँ पे मैं अफगानी पुलाव खाने आया हूँ। माशाल्लाह यहाँ का पुलाव बहुत मज़ेदार है और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आके खाना खाएं, और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। खा कर देखें, बहुत मज़े का पुलाव है। ये अफगानी बोटी है, अफगानी टिक्का, ये बड़ा मशहूर है, बहुत खूबसूरत, पूरा कराची में नहीं मिलेगा इसी तरह। हाँ, आपको खाते हुए आप टेस्ट है को बहुत ही आला है, ज़बरदस्त VIP। यहाँ रोज़ की बुनियाद पर आते हैं आप? नहीं, हफ्ते में एक दो बार आ जाते हैं हम, जब से रेस्टोरेंट ओपन हुआ हफ्ते में एक दो बार आ जाते हैं हम। और ख़ास किस्म इसका जो पुलाव जो है ना, काबली पुलाव, बहुत ही ज़बरदस्त है, कुंदुस पुलाव, बहुत नाइस पुलाव है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कुंदुस रेस्टोरेंट के शेफ़ जो यहाँ अफगानी पुलाव बनाते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं ऐसी क्या ख़ास वजह है और इनके हाथ में ऐसा कौन सा टैलेंट है जो अफगानी पुलाव इस अंदाज में बनाते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला सर, अफगानी कहा जाता है कि यहाँ के जो रेस्टोरेंट का अफगानी पुलाव बहुत मशहूर है और लोग बड़े शौक से खाते हैं अपनी फैमिलीज के साथ बैठ कर, ऐसी क्या ख़ास वजह है, ऐसा कौन सा जादू है जो इतना बेहतरीन आप पुलाव बनाते हैं? बस जादू तो कुछ भी नहीं, बस सलाह का दिया हुआ चीज़ें बस बनाते हैं, पसंद करते हैं लोग ज़्यादातर। अच्छा, आप इसको कैसे तैयार करते हैं थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ही बताइएगा, अगर कोई घर में बनाना चाहे तो वह आपके जो है इस गाइडलाइन से इस्तेफादा हासिल कर सके। घर में तो बनाना आसान होगा, इनके तरीका भी आसान है इसका बिल्कुल। कैसे बनाते हैं? अभी आपने जो ये देख बनाई, ये किस अंदाज में बनाई, कितना चावल डलता है, कितना ऑयल डलता है या कितना गोश्त डलता है इसमें? तो हम बनाते हैं तकरीबन 10 किलो चावल, 10 किलो चावल में 10 किलो गोश्त डलता है, उसमें 3 किलो गाजर आता है, उसमें 2 किलो किशमिश आता है और पानी, मसाला, ज़ीरा ये सब आता है उसमें बिल्कुल। कितने मिनट में ये देग तैयार होती है? ये तकरीबन स्टार्ट शुरू से एंड तक 2 घंटे में बन जाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रेस्टोरेंट के ओनर मौजूद हैं, आइए रेस्टोरेंट के मालिक से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आपका नाम सर? इरशाद। इरशाद साहब, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा नाम है और जिस तरह कहा जाता है कि आपके रेस्टोरेंट का जो है पुलाव वगैरह मशहूर है, और पुलाव के साथ साथ आप कौन कौन सी डिशें यहाँ तैयार करते हैं? यहाँ पे जो हम असल में हमारा जो प्लान है, यहाँ पे जो दम पोख्तों का और छुपान कबाब जो प्योर लैम के गोश्त से बनते हैं, वो छुपान कबाब हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं। प्लस पटा टिक्का, जिसको हमने गुमदाना नाम दिया हुआ है, हमारे ज़ुबान में गुमदाना उसको कहते हैं। तो सीख बूटी जो है हमारे वो स्पेशलिटी है, और पुलाव में भी हमने कैटेगरीज रखा हुआ है, जिसमें माइचा पुलाव हुआ, जैसे बोंग का गोश्त होता है पूरे बोंग का, वो 2% सर्विंग है, वो हमारी स्पेशलिटी में और उसकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त होटल रेस्टोरेंट के जो है मैनेजर भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी कुछ बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफगानी पुलाव यास्ता, सीख बूटियास, शमी कबाब आस, देगा वगैरह वगैरह चीज़ों पैदा में से जब करोयास। जी नाज़रीन, तो हमने भी खाया अफगानी पुलाव और बड़ा मज़ा आया, और काइंडली हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे अपनी फैमिली के हमारा इस रेस्टोरेंट का विज़िट करें और यहाँ का अफगानी पुलाव ज़रूर चखें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, कैमरामैन फैज़ अब्बास के साथ शकूर दरवेशी, देखो पाकिस्तान नेटवर्क कराची। देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD।